छत्तीसगढ़ विधायकों को शिफ्ट करने के भी मायने क्या है, मानकर चल रहे कि झारखंड सरकार को लग रहा है कि सेंधमारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार तो लटकी रही है। सोर्सेज ने कह दिया है कि वो डिस्क्वालिफाई होंगे और सोर्सेज ने ये कह दिया डिस्क्वालिफाई होंगे, और इसको लेकर आज ऑर्डर जो है बहुत संभवता जो है जारी किए जाने की संभावना है। उसके बाद जो है उनको रिजाइन करना पड़ सकता है। तो ऐसे सूरत में अगर उनको डिबार नहीं किया गया है, जो कि खबरें आ रही है जिस तरह से सोर्सेज बता रहे हैं, तो ऐसे सूरत में दोबारा से उनको रीइलेक्ट किया जा सकता है जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के तौर पे, और दोबारा से स्टेक क्लेम कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त जो है कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, और उस वक्त तक इंटैक्ट रखना विधायकों को, कोई पोचिंग ना हो, ये इंश्योर करना एक बड़ी चुनौती महागठबंधन के सामने है। लिहाजा एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है, एक जगह उन्हें रखा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे, इंटैक्ट रहे, उनको कोई अप्रोच ना कर सके, उनको कोई कॉन्टैक्ट ना कर सके। फिलहाल यही स्ट्रेटजी है। क्या इस बस में आप बता रहे थे कि हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने वेव किया, वेव करते हुए मुस्कुराते हुए निकल गए, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई क्योंकि कांच लगी हुई बस थी, और यही वजह है कि उनसे किसी तरह का कोई जो है संपर्क नहीं हो पाया। और विधायकों आज जो है सीएम हाउस के अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा था, कल की बैठक में अंदर घुसने दिया गया था, लेकिन आज किसी को अंदर नहीं घुसने दिया गया है। बसेस जो है यही पार्क की गई थी, प्रोपेगेंडा करने भी कोशिश की गई कि फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाए, ये कहा गया कि विधानसभा के तरफ बसेस पार्क है, लेकिन दरअसल बसेस यही अंदर पार्क थी और यहां से बसेस में बोर्ड करना था विधायकों को, लिहाजा किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था और गुपचुप तरीके से किया गया है। पहले भी बात करने की मनाही थी विधायकों को और कम से कम लोग बात कर रहे थे, और फाइनली उनको शिफ्ट किया गया है। हालांकि कांग्रेस बार बार मना कर रही थी कि वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ है, इसका विरोध वो करते रही है, लेकिन आज वही देखने को मिला, उन्हें भी कहीं शिफ्ट किया गया है। अगर इस्तीफा ले लिया जाता है, अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है हेमंत सोरेन को, तो क्या राष्ट्रपति शासन के भी आसार बन रहे हैं? क्या सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए अभी वो सब बाद का स्पेकुलेशन की बातें हैं, इनके पास आंकड़े हैं, लेकिन इन्हें ये डर है कि पोचिंग ना हो जाए। इनके पास जब 30 एमएलए जब सरकार बनी थी, 30 एमएलए कांग्रेस के जेएमएम के थे, 18 कांग्रेस के थे, एक आरजेडी के थे, इसके अलावा सीपीआईएमएल ने सपोर्ट किया था इस सरकार को, सरयू राय ने सपोर्ट किया था, एनसीपी ने सपोर्ट किया था, तो कुल जमा 52 विधायक है इनके पास 81 में से। और कल जो है दो बार जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें लोग पहुंचे भी थे, फर्स्ट हाफ में जो बैठक हुई थी उसमें उनका टैली 39 था, बसंत सोरेन हेमंत सोरेन को जोड़ दिया जाए तो 41 हो जाता है। उसके अलावा 3 सस्पेंडेड एमएलए जिनको कि मजबूरन करना होगा, क्योंकि वो अगर फ्लिप फ्लॉप किसी तरह का करेंगे तो उन्हें अपने सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है, लिहाजा अगर उन आंकड़ों को जोड़ा जाए तो 45 से 46 का आंकड़ा इनका कल ही हो रहा था। शाम में भी जो है इसी तरह का जो है कल रात में भी जो डिनर डिप्लोमेसी हुई थी उसमें 41 का इनका संख्या था, तो उस वक्त भी जो है ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इनके पास नंबर्स हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, अगर सरकार गिरती है रिजाइन तो करना पड़ेगा, और उसके बाद किस तरह से क्या होता है, ये सब आशंकाओं को दूर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने, सबको इंटैक्ट रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए, कंसोलिडेट रखने के लिए इनको जो है शिफ्ट किया गया है।